ना ओके गुड मॉर्निंग बच्चा लोग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आ जाओ फटाफट से सब लोग जुड़ जाओ एक बार मैं शेयर कर दूं सबके साथ है ना क्योंकि तो बच्चों ने तो रिमाइंडर लगाया नहीं होगा जस्ट गिव मी वन सेकेंड गुड मॉर्निंग Good morning ओके गुड मॉर्निंग आ गए सब लोग हेलो 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 रूनी हेलो सोलोनी हेलो राहुल हेलो श्रद्धा हेलो उमेश हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जो बच्चे न्यू हैं वेलकम टू आवर चैनल जो बच्चे पुराने हैं हाउ आर यू ऑल हेलो भरत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी यस यस ओके ओके रुनी विनायक बेटा थोड़ी थोड़ीफार बरी है तोड़ सुजल है बगूया चैप्टर छोटे तो लवकर संपेल इट्स नॉट वेरी यू नो गोइंग टू टेक हाउ मच टाइम गुड मॉर्निंग सलोनी गुड मॉर्निंग ईश्वरी वी आर ऑल गुड आई एम ऑलसो गुड चलो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोग आ जाइए मैं चैप्टर का वेटेज वगैरह बता देती हूँ तब तक ओके okay. बोर्ड्स में इस चैप्टर का वेटेज कितना है तो बोर्ड्स में इस चैप्टर का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली थ्री मार्क्स ओके एवरेज निकाल के बता रही हूँ चार मार्क्स का भी आ जाता है कभी कभी और सी में भी इसका वेटेज है थ्री मार्क्स और नीट में इसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली फोर टू एट मार्क्स यानी कि दो एमसीक्यूज आ सकते हैं इको वाले चैप्टर से वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज ओके okay, अब सबसे पहले तो मैं दो अनाउंसमेंट करना चाहूँगी पहली अनाउंसमेंट बोर्ड्स के टाइम टेबल में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं नो चेंजेस इन टाइम टेबल आपके बोर्ड्स के टाइम टेबल में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम बोर्ड्स का टाइम टाँट, टाइम टेबल या डेट चेंज हुआ है क्या आगे गया है क्या सिर्फ आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनका एक सब्जेक्ट एक दिन आगे गया है बाकी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई चेंजेस नहीं हुए ये फर्स्ट पॉइंट था ये फर्स्ट अनाउंसमेंट था दूसरा अनाउंसमेंट हमने जो अपना एन पोल्स होता है हमारा जो एम पोल्स वाला था जो हम एन पोल्स डालते हैं वो हमने अपने एन वाले चैनल पर डालना स्टार्ट किया है अपने एन चैनल का नाम क्या है ज्ञान लैब एन तो बारह बजे चार बजे आठ बजे ऐसे आपको दिन में तीन से चार बार सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लैब एन का एक एक बार कम्युनिटी सेक्शन चेक करना है कौन सा सेक्शन चेक करना है कम्युनिटी सेक्शन वहाँ पे आपके लिए नीट और सी NEET नीट और सी दोनों के पोल्स हम डालते हैं नीट और सी दोनों के पोल्स डालते हैं कम्युनिटी सेक्शन में जब आप सर्च करोगे ज्ञान लैब एन चैनल के ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं वीडियोस प्लेलिस्ट कम्युनिटी तो कम्युनिटी पे जाने का उधर पे आपको एम दिखाई देंगे पोल सेलेक्ट करने का ये मैं क्यों करवा रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए जब आपके सीई एग्जाम्स नज़दीक आएंगे जैसे डेट्स वगैरह डिक्लेयर होंगी हम आपका फुल फ्लेज सी सेशन लेना स्टार्ट कर देंगे लेकिन उससे पहले देखो एक सिंपल सी चीज़ है आप घर में पेंटिंग कब करते हो जब घर की सीमेंट सूख जाती है जब घर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है जब घर का मिट्टी गीला रहता है तभी हम कलरिंग करते हैं क्या नहीं करते ठीक उसी तरीके से आपका पहले बेस क्लियर होना जरूरी है इसीलिए मैं पहले चैप्टर्स के वन शॉट पर फोकस कर रहे हैं मैं और अजय सर और फिर एक बार आपका चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा एक बार आपका बोर्ड्स का टेंशन निकल जाएगा तो उसके बाद हम आपकी सी की तैयारी भी करवाएंगे ट्रस्ट मी हम आपकी सी की तैयारी भी करवाएंगे फिजिक्स और बायोलॉजी की इस बार तो अजय सर भी फुल तैयारी में है कि मुझे भी फिजिक्स के एम लेने हैं बच्चों के तो आप टेंशन मत लो सब कुछ प्लान करके रखा है इतना याद रखो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं होने वाले वो उसी टाइम पे होने वाले हैं ऑफ़लाइन होने वाले हैं नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट कि आपके एग्ज़ाम्स टाइम पर ही होने वाले हैं बहुत सारे मुंबई के कॉलेजेस अभी मंडे से खुलने वाले हैं और उनके कॉलेजेस में वापस से ऑफलाइन एग्जाम होने का अनाउंसमेंट हो चुका है तो प्लीज़ ऐसी गलत होप मत करो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो पोस्टपोन हो ब्ला 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 ओके okay, आप अपनी तैयारी करते रहो इसीलिए इसीलिए हम एक भी दिन का सेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं आपके सेशंस कंटिन्यूसली लेने का ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ आप भी बिल्कुल इसको फॉर ग्रांटेड मत लो पहले वन शॉट्स के ऊपर फोकस करो मैं बार बार बोल रही हूँ घर पे आप साइड बाय साइड चालीस पचास एम सॉल्व करो जितना आता है उतना करो जब आपका टाइम टेबल वगैरह अनाउंस हो जाएगा सी का या कुछ डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगी या अपना वन शॉट सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम आपकी सी की तैयारी भी करवाना स्टार्ट कर देंगे सी एग्ज़ाम कब होगा नीट का एग्ज़ाम कब होगा फॉर्म्स कब रिलीज़ होंगे सब कुछ आपको अपडेट किया जाएगा सबर रखो आपको सब अपडेट किया जाएगा पिछली साल हमने सब अपडेट दिया था तो इस साल भी हम सब अपडेट देंगे डोंट वरी आप प्लीज़ इधर उधर का न्यूज़ चैनल्स मत देखो इधर उधर का कुछ टाइम पास मत करो अपनी पढ़ाई पे ध्यान चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ ओके अभी कोई डेट्स नहीं आई है अभी कोई डेट्स नहीं आई है ओके चलो लेट्स स्टार्ट अभी मैं ये ज़रा चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ नहीं तो अपना चैप्टर ज़िंदगी में कभी स्टार्ट ही नहीं होएगा ओके लेट्स स्टार्ट लास्ट के पाँच मिनट्स हम वापस से डिस्कशन ले लेंगे नो प्रॉब्लम एक ही रिक्वेस्ट है चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ तो उसके पहले आप लाइक बटन पे क्लिक कर दो क्योंकि फिर आपको लिखना रहेगा कुछ एग्जांपल्स में बोलूंगी तो आप वो टेक्स्ट बुक्स में लिखोगे तो आप लाइक बटन पे क्लिक करना भूल जाओगे इसीलिए मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि अभी लाइक बटन पे क्लिक कर दो ताकि आपको आगे उसका लोड ना लेना पड़े मुझे बताए मेरा सेशन अच्छा ही लगेगा आपको ठीक है ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बट आप लोगों ने ही ये कॉन्फिडेंस दिलाया है ओके चलो स्टार्ट करते हैं इको सिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो के साथ देखो इस चैप्टर में से ना ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है सिर्फ फोर्टीन पॉइंट फाइव वाला टॉपिक हमको करना है और मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ आपके बोर्ड्स में डिलीटेड पोर्शन नहीं आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नॉन डिलीटेड पोर्शन पर ही ध्यान देना है फॉर बोर्ड्स एंड फॉर सी मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ आपको डिलीटेड पोर्शन में से कुछ नहीं आएगा अगर डिलीटेड पोर्शन में से कुछ आया तो वो बोनस मार्क्स काउंट किए जाते हैं आपको उसका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा बोलोगे कि अरे मेरे को लगा था ये डिलीटेड है शिट इसलिए मैंने नहीं पढ़ा ऐसा नहीं है तुमको क्या लगा वो तुम्हारी प्रॉब्लम है बोर्ड्स के मेंबर्स ने जो पार्ट डिलीट किया है एक्चुअली में वही डिलीटेड है तुम्हारे हिसाब से तुमको लगा ये डिलीटेड है है ये इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया अपने मन में तो ऐसा नहीं चलता है रे, okay? so वाला टॉपिक आपको कंपलसरी करना है ओके इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट देयर इंट्रोडक्शन की हालत ही खराब हो गई है इंट्रोडक्शन uh, में तो बेटा बेसिक इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है चलो पीडीएफ खोल देते हैं ज़रा आपको इंट्रोडक्शन भी दिखा देते हैं इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक एकदम बताया गया है ठीक है मैं इंट्रोडक्शन भी बता देती हूँ अब आपने याद दिलाई दिया है तो टेक्स्ट बुक्स किधर है चलो इंट्रोडक्शन भी मैं करा देती हूँ मैंने इंट्रोडक्शन का स्लाइड ऐड नहीं किया था वो स्किप हो गया था बिकॉज़ उधर पे कुछ है नहीं इकोसिस्टम मतलब क्या होता है इको सिस्टम यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और आजू बाजू के अबायोटिक फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं वो भी कर लेते हैं नो प्रॉब्लम ओके हाँ चलो इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं ओके okay? आपने मैम इस पर पहले वन शॉट लिया यस yes, यस yes, इस पर वन शॉट लिया है ओके चलो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन वाला चैप्टर आपका सैटरडे को है मोस्टली सैटरडे को है ओके okay? चलो देखो इधर पे क्या बताया गया है इको सिस्टम एंड एनर्जी फ्लो इसका इंट्रोडक्शन फटाक से दो मिनट में देख लेते हैं और फिर इसका इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट देख लेंगे देखो इको सिस्टम के इंट्रोडक्शन में हमको क्या बताया गया इको सिस्टम ये टर्म हमको किसने दिया था टैंसले ने प्लीज़ इसको अंडरलाइन करो इको सिस्टम ये टर्म हमको किसने दिया है टैंसले ने ओके तो टैंसले नाइनटीन थर्टी फाइव इन्होंने ये टर्म इको सिस्टम कॉइन किया था यानी कि हमको दिया था इको सिस्टम अगर देखा जाए तो ये बहुत अलग अलग वैराइटी का आपको देखने को मिलता है मतलब डिपेंड करता है कि आप कौन से इको सिस्टम की बात कर रहे हो अगर आप एक छोटे से तालाब के इको सिस्टम की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आपको अलग मछलियाँ मिलेंगी अगर आप एक बड़े से ओशन की बात कर रहे हो ठीक है महासागर की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेगा अगर आप एक छोटे से फार्म लैंड की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अलग इकोसिस्टम देखने को मिलेगा हमारे हर एक एरिया का हर एक लोकेशन का इकोसिस्टम वैरी करता है क्योंकि वहाँ के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स वहाँ का सस्टेनेंस फैक्टर वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म कितना सरवाइव कर सकते हैं क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है ये सब कुछ मैटर करता है अपना जो पूरा एंटायर ग्लोब है पूरा जो यूनिवर्स है एंटायर ग्लोब एंटायर बायोस्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज वन ग्लोबल इको हम अपने पूरे अर्थ के एटमोस्फियर को एक ग्लोबल इको सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं जो बहुत सारे लोकल इको से बना है यानी छोटे 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 इको सिस्टम से मिलकर एक बड़ा सा इको सिस्टम बना है देखो वैसे देखा जाए तो अगर हम पूरे इको सिस्टम को एक साथ समझने जाएंगे तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे इसीलिए हमारे इको सिस्टम को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया देखो इको मतलब क्या होता है इको मतलब एन्वायरमेंट ओके और सिस्टम यानी कि एक पर्टिकुलर पार्ट एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स ओके तो दो टाइप के इको सिस्टम कैटेगराइज किए गए हैं एक टेरिस्ट्रियल और एक एक्वेटिक टेरिस्ट्रियल मतलब क्या होता है लैंड का इको सिस्टम जैसे फॉरेस्ट ग्रास लैंड डेजर्ट ये सारे टेरिस्ट्रीय इको सिस्टम में आते हैं और लेक वेट लैंड रिवर एस्चूरीज ये सारे एक्टिक इको सिस्टम में आते हैं इको सिस्टम को हम दो टाइप से और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं चाहे टेरिस्ट्रियल हो चाहे इक्वेटिक हो देखो टेरिस्ट्रील और एकवेटिक ये मेजर कैटेगरीज है इसके अंदर और दो दो टाइप्स आती हैं नेचुरल आर्टिफिशियल नेचुरल आर्टिफिशियल नेचुरल इको सिस्टम डो नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इनपुट्स नेचुरल इको सिस्टम जैसे नेचुरल तालाब नेचुरल समुद्र नैचुरल नदी को ह्यूमन्स की इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है आर्टिफिशियल इको सिस्टम जैसे फार्म लैंड आर्टिफिशियल पॉइंट बनाना टैंक बनाना फिशेज की रेयरिंग करने के लिए तो इसमें ह्यूमस का इन्वालमेंट होना जरूरी है ह्यूमन इंटरफेरेंस जरूरी है Uh, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इको सिस्टम इनपुट ब्लाब्ला ब्ला हम इस चैप्टर में बेसिकली ये सब कुछ डिलीट हो चुका है हम इस चैप्टर में सिर्फ इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं चेन्स वी विल लुक एट द रिलेशनशिप चेन एंड वेब दैट आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एनर्जी फ्लो तो हम इस चैप्टर में बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या होता है चलो वो देखते हैं चलो मैंने आपका इंट्रोडक्शन करा दिया सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक क्लियर एवरीबडी चलें स्टार्ट करें आपका इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन डिलीटेड नहीं था मिस्टर खान स्टूडियो बेटा प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से देखो ना स्टार्टिंग से मैंने सब इंट्रोड्यूस किया है ओके ओके <coughs> चलो अभी मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ तुम्हारा चैट सेक्शन देखती हूँ तो मेरे चार पाँच मिनट उधर ही चले जाते हैं सबके सेम क्वेश्चन होते हैं बार बार सब लोग रिपीट रे करके सेम क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट के पाँच मिनट में या दो मिनट में हम आपके डाउट्स क्लियर कर लेंगे कैसे पढ़ाई करना है कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है नींद बहुत आती है पॉटी बहुत आती है भूख बहुत लगती है सुसु बहुत आती है ऐसे आपके सवाल होते हैं तो आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास लेकिन इसको हम लास्ट में डिस्कस करें ठीक है ओके चलो इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं ठीक है एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी जो सिंसियरली यहाँ पर पढ़ने आए वो वो लो लोग चैट सेक्शन बंद करो टेक्स्ट बुक लो पेंसिल लो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना स्टार्ट करो और जिनका पढ़ के हो गया जिनको टाइम पास करने का बिंदास चैट करो मेरे को क्या मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है ओके ऑल राइट तो इकोलॉजिकल सक्सेशन सक्सेशन मतलब क्या होता है सक्सेशन यानी कि एक तरीके का पैटर्न यानी कि एक तरीके का प्रोसेस जैसे कि समझो आ, मैं फिर मेरे फिर पापा फिर उनके पापा फिर उनके पापा फिर उनके पापा तो इस ये एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको कुटुंब खानदान का पैटर्न है ओके सो so इसको हम बोलते हैं सक्सेशन ओके सो सक्सेशन मींस कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रोथ होती है उसको हम सक्सेशन बोलते हैं और ये ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है एक ही दिन में आपको एक सिंगल सीड से मैंगो का प्लांट मिल सकता है क्या मैंगो का ट्री मिल सकता है क्या आपने ये सीड डाली है मिट्टी के नीचे तो काफ़ी दिन लगेंगे इस सीड में से कॉटिलिडोन्स बाहर आने के लिए और फिर काफ़ी दिन लगेंगे इस सीड में से वो प्लांटलेट बनने के लिए एक छोटा सा पौधा बनने के लिए और फिर और ज़्यादा दिन लगेंगे इस प्लांटलेट को ट्री में कन्वर्ट होने के लिए है ना सीड आया फिर ये कॉटिलेडॉन आया फिर कॉटिलेडॉन के बाद ये प्लांटलेट बना यानी कि छोटा सा पौधा बना आई होप आपको पौधा और पेड़ में डिफरेंस पता है प्लांटलेट यानी छोटा सा पौधा और पेड़ यानी कि जिससे हमको फल मिलते हैं ओके तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ग्रोथ का ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है इसको हम बोलते हैं सक्सेशन इस पर्टिकुलर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं सक्सेशन और अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है कि शुरुआत में जितनी भी नई नई टाइप की सीड्स आई हैं इन सीड्स से अल्टीमेटली आपको एक बड़ा सा क्लाइमेक्स एंड देखने को मिलेगा यानी कि आप कोई भी छोटी सी चीज़ शुरुआत करो जब वो ख़त्म होती है तो वो एक बड़े से एंड uh, में ख़त्म होती है मतलब एक सीड से एक फॉरेस्ट बन जाएगा क्योंकि एक सीड से एक पेड़ बनेगा इस पेड़ में बहुत सारे फ्रूट्स रहेंगे फिर इन फ्रूट से ढेर सारी सीड्स निकलेंगी फिर इन सीड से ढेर सारे ट्रीज ग्रो होंगे तो ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि पहले उस ज़मीन पर सिर्फ एक ही पौधा था और आज वहाँ पर एक जंगल खड़ा हो चुका है इसको बोलते हैं सक्सेशन तो हम क्या बोलते हैं सक्सेशन यस एवरीबडी सो जब आप एक एंड तक पहुँच जाते हो कि अब इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है एंड कम्युनिटी तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी आगे फर्दर इवॉल्व नहीं करती है ओके okay? धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब टाइम बदलता है द ग्रेजुअल ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे ये सारे वर्ड्स के मीनिंग ना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में आप आप जब ये वोकेबलरी यूज़ करते हो देखो आप स्लोली स्लोली भी लिख सकते हो लेकिन एक इम्प्रेशन अलग पड़ता है जब आप साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करते हो ठीक है तो अगर आप ये टर्म यूज़ करते हो ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के मूड पे तो ग्रेजुअल यानी कि स्लोली स्लोली तो जैसे जैसे हमारा इकोसिस्टम का कॉम्पोजिशन चेंज होगा जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशनस चेंज होगा वैसे वैसे हमारा जो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल रेट है वो भी चेंज होते जाता है तो द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज प्रडिक्टेबल यानी जिसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दस सालों में क्या होने वाला है सो so इसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्शन करना यानी अंदाजा लगाना सो द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्से यानी आने वाले दस सालों में यहाँ पर कौन से स्पीशीज सर्वाइव करेंगे कौन से नए स्पीशीज आएंगे कौन से स्पीशीज़ नहीं बचेंगे इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं सक्सेशन और सक्सेशन मतलब क्या होता है द चेंज इन सीक्वेंशियल द चेंज इज सिक्वेंशियल एंड एनवायरमेंटली रेगुलेटेड मतलब क्या बोला गया है पहले जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पे अब बहुत कुछ हो गया है तो ये सारी चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है ना एक सीड से एक बीज से एक बड़ा सा पेड़ बनने के लिए बहुत टाइम लगता है तो ये टाइम में मतलब ये जो टाइम लगा है इस प्रोसेस को करने के लिए उसको हम बोलते हैं सक्सेशन प्रोसेस. आगे देखो क्या बताया गया है अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्ड होते हैं ये जो पांच वर्ड्स हैं इन पांच वर्ड्स का मीनिंग आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूडेशन मतलब क्या होता है ओपन सीड न्यूडेशन मतलब क्या होता है ओपन सीड तो सक्सेशन के लिए किसी भी टाइप के सक्सेशन के लिए पाँच स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे पहला होता है न्यूडेशन न्यूडेशन यानी कोई भी चीज़ जो खुली होती है जो ओपनली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है फिर ये जो ओपन सीड है ये किसी न्यू सॉइल में जाएगी घुसेगी एंट्री लेगी उसको बोलते हैं invasion, फिर वहां पे एंट्री लेने के बाद जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया उन्होंने तो उन्होंने पहले अपना एक ग्रुप बनाया फिर वो हमारी कंट्री में घुसे फिर हमारी कंट्री में घुसने के बाद वो यहीं पर सेटल हो गए तो एस 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 यानी कि क्या होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया सो इसको बोलते हैं एस तो कोई भी नई सीड देखो कहीं पर भी कोई भी नए टाइप का प्लांट नए टाइप का ट्री हमको कैसे देखने को मिलता है एक मिनट रुको हाँ एक सेकेंड रुको एक तो मैं जल्दी चैट सेक्शन ओपन करती नहीं हूँ ऊपर से अगर मैंने गलती से कर लिया तो स्पैमर्स मुझसे झेले नहीं जाते हैं ठीक है यही चीज़ ख़राब है मुझ में इसलिए मुझे अजय सर बोलते हैं तू चैट सेक्शन मत देखा कर आई गेट वेरी इरिटेटेड हम्म चलो अब ठीक है चैन चैन शेखर कुमार बेटा अगर आपको लेक्चर खत्म होने की इतनी घाई है तो आप अटेंड ही मत करो आप बाद में रिकॉर्डेड देख लेना वन पॉइंट फाइव की स्पीड में ठीक है किसी टीचर से आप कैसे पूछ सकते हो मैम आपका कब बड़बड़ करके खत्म होएगा जब खत्म हो जाएगा हो जाएगा ऐसे ये बहुत इंसल्टिंग लगता है जब आप किसी टीचर से पूछते हो ना टीचर कितना टाइम लगेगा लेक्चर खत्म होने को मतलब आप कितना टाइम हमको पकाने वाले हो तो ये बहुत इंसल्टिंग लगता है ये आदत अपनी निकालो क्योंकि मैं देखती हूँ आप हर लेक्चर में हर चैप्टर में आप पूछते हो ठीक है रितिका, बेटा जूम का पेड वर्जन नहीं है मेरे पास आपके पास है तो बताओ हम जूम पे लेंगे लेक्चर्स और लाइव लेक्चर लेने में क्या तकलीफ है है ना ओके चलो तो न्यूडेशन यानी ओपन सीड ये सीड कहीं ना कहीं एंट्री लेती है एंट्री लेने के बाद ये सीड उस पर्टिकुलर सॉइल में एस्टैब्लिश हो जाती है यानी कि अपना आसन ग्रहण कर लेती है और एस्टैब्लिश होने के बाद देखो समझो कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तब तो बहुत कम लोग आए थे उन्होंने यहाँ पर अपना ईस्ट इंडिया कंपनी चालू किया वो एक पर्टिकुलर एरिया में इस्टैब्लिश हो गए जब वो यहाँ पर सेटल हो गए तो उन्होंने अपने बीवी बच्चे और अपने बाकी के ख़ानदान वालों को भी बुलाना स्टार्ट कर दिया यानी कि उन्होंने यहाँ पर अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट कर लिया तो उसको बोलते हैं एग्रीगेशन यानी कि क्लस्टर फॉर्मेशन यानी कि ग्रुप फॉर्मेशन तो सक्सेशन कैसे होता है शुरुआत में एक सिंगल सीड होती है इस सिंगल सीड को हम सॉइल में डालते हैं सॉइल में डालने के बाद ये सीड उधर एस्टैब्लिश हो जाती है प्लांट बना लेती है और फिर ये फ्रूट्स वगैरह बनाती है ट्री बनाती है और फिर इसके ही फ्रूट से बहुत सारी सीड्स निकलती हैं और फिर उससे बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं ऐसे ठीक है बहुत सारे प्लांट्स निकलते हैं और ऐसे बहुत सा एक बड़ा सा जंगल बन जाता है यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ओके फिर आता है कॉम्पटिशन अब सिंपल सी बात है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्सेज कम होंगे तुम्हारे घर में पहले चार लोग रहते थे तो चार रोटी में सबका पेट भर जाता था अब छः लोग आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया ना अब चार रोटी में पेट नहीं भरेगा तो अब जो पहले आएगा वो पहले खा लेगा ऐसा हो सकता है हाँ मिल बांट के भी हम खा सकते हैं लेकिन वो एक अलग फिनल है तो कॉम्पटिशन बढ़ेगा जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा और उस उस कंपटीशन के बावजूद भी मतलब आपस में जब फाइट होगी जब कंपटीशन बढ़ेगा जब को एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी हमको देखने को मिलेगा जो सबसे फिटेस्ट रहेगा वो सर्वाइव करेगा चार्ल्स डार्विन सर ने हमको ये थ्योरी दी थी और सर्वाइव करने के बाद जो स्टेबल इन्वायरमेंट बचता है जो सक्सेस जो इकोलॉजी हमको देखने को मिलती है आफ्टर स्टेबलाइजेशन उसको हम बोलते हैं सक्सेस उसको हम क्या बोलते हैं सक्सेशन मतलब इतनी सारी कठिनाइयों को पार करके न्यूडेशन uh, करके इन्वेजन करके एस करके एग्रीगेशन करके कंपटीशन करके एक्शन रिएक्शन करके हम स्टेबल हो गए तो ये जो इतना सारा स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस था इसको हम क्या बोलते हैं सक्सेशन तो देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन हमको कुछ इस पैटर्न में देखने को मिलता है वॉट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रेडिक्टेबल ऑर्डरली रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन एन इको सिस्टम यानी कि आपको पहले से अंदाजा होता है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कौन सा इको सिस्टम कहाँ तक कौन से लेवल तक पहुँचेगा अब देखो ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होता है कि जो स्पीशीज पहले कहीं पे प्रेजेंट ही नहीं थी जैसे कोरोना वायरस इंडिया में था नहीं था ये तो एक बहुत ही अलग ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है लेकिन कोई भी यंग स्पीशीज़ जो आ, किसी नई जगह पे एकदम जीरो से स्टार्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पायनियर स्टेज क्या बोलते हैं उसको हम पायनियर स्पीशीज या पायनियर स्टेज और ये स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब हजारों सालों तक ये स्पीशीज सर्वाइव करती है रगड़ रगड़ के खुद को जिंदा रखती है और फिर ये थोड़ा सा ग्रो होना स्टार्ट करती है तो इस स्पीशीज की जो ग्रोथ का स्टेज है उस स्टेज को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज या सीरल स्टेज बोल सकते हैं और ये सीरल स्टेज में आपको बहुत सारी कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं तो उस कम्युनिटी को हम सीरल कम्युनिटी बोल सकते हैं ठीक है और फिर यही सीरल कम्युनिटीज यानी कि समझो एक एग्जाम्पल देती हूँ आपने सीड डाला ठीक है जहाँ पे अभी नया नया ये ऐसा वोल्कैनो फटा था वोलकैनो फटने के बाद यहाँ पे जो ऐशेज़ बची है जो राख बची है इस राख में कोई नया पौधा आप ग्रो कर रहे हो तो यहाँ पे जब आप कोई नया सीड डाल रहे हो तो ये यह सीड यहाँ के लिए क्या हो गया पायनियर हो गया अब ये सीड जो है ये बहुत टाइम लेगी बहुत 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 टाइम लगेगा इसको यहाँ पर ग्रो होने के लिए तो ये सीड जब ग्रो होगी तो ये पहले प्लांटलेट बनाएगी ठीक है मतलब पहले इसमें से कॉटिलिडॉन्स निकलेंगे फिर कॉटिलिडॉन्स निकलने के बाद इसमें से प्लांटलेट निकलेंगे और फिर कहीं जाके इसमें से इसका ट्री बनेगा तो और फिर ट्री में से अलग अलग फ्रूट्स निकलेंगे और अलग अलग फ्रूट से और बड़ा सा जंगल बनेगा तो ये बाकी का बीच का जो स्टेजेस है ये आपके इधर प्लांटलेट से लेके ये फ्रूट्स तक का जो स्टेजेस है ना अरे यार ये, ये 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 इतना तो इसको हम बोलते हैं सीरल स्टेज यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज दिखाई दे रहा है सबको थोड़ा सा इधर हो जाऊँ इसको हम क्या बोलते हैं सीरल स्टेज ओके और ये लास्ट में जो आपका जंगल बन जाएगा जिसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा देखो जब तक आपका एनवायरमेंट स्टेबल रहेगा जब तक आपका एनवायरमेंट स्टेबल रहेगा तब तक आपका ये लास्ट वाला स्टेज बदलेगा नहीं तो इसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसको हम क्या बोलते हैं अच्छा मैं गलत साइड में बेंड हुई थी इसको हम क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो पाइनियर स्टेज यानी कि फर्स्ट स्पीशी फिर वो जैसे जैसे ग्रोथ करती है उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस को हम सीरियल स्टेजेस बोलते हैं और क्लाइमेक्स यानी कि एकदम लास्ट वाला स्टेज ओके क्लाइमेक्स मतलब क्या होता है एकदम लास्ट वाला स्टेज जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है जब तक एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा अगर एन्वायरमेंट बदल गया तो क्लाइमेक्स स्टेज भी बदल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो सक्सेशन के टाइम पे क्या होता है कभी कभी कुछ स्पीशीज बाहर से आके यहाँ रहने लग जाती हैं जिसके वजह से उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो कभी कभी आ, अपने खुद के एरिया की स्पीशीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है सो तो ये तो दुनिया का मतलब नियम है लगा रहता है कोई आएगा तो कोई जाएगा ओके तो ये बीच का जितना भी इंटरमीडिएट स्टेजेस है उसको हम बोलते हैं सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी और ये सीरल कम्युनिटी आगे जाके क्या बनाती है क्लाइमेक्स स्टेज यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी ठीक है देखो इधर पे ईच ऑफ दीज स्टेप्स आर नोन एज सीरियल स्टेजेस ये आपका नॉर्मल बेयर रॉक है बेयर रॉक के ऊपर जब लाइकन और मॉस ग्रो होना स्टार्ट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीश इसको हम क्या बोलते हैं पायनियर पायनियर के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक या आपका पूरा समझो यहाँ से लेके कर यहाँ तक या आपका पूरा सीरल स्टेज है ये आपका पूरा सीरल स्टेज है और इसके बाद जो फॉरेस्ट बनेगा वो हो जाएगा आपका क्लाइमेक्स कमिंग वो आपका क्या हो जाएगा

तो ये कौन से कौन से एनवायरनमेंट में हमको देखने को मिलता है यहाँ पे तो हमको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का एक एग्जाम्पल दिया गया है सो so, मतलब लैंड पे ही ग्रो होते हैं ना आपके ट्रीज और ये लाइकेंस और मॉसेस तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का एक एग्जाम्पल हमको दिया गया है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी ये हो सकता है सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एनवायरमेंट्स जहाँ पर आपको सियर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है व्हाट इज़ जेरार्क सक्सेशन व्हाट इज़ हाइड्रार्क सक्सेशन सब बताऊंगी मैं ठीक है थोड़ा सा पेशेंस रखो तो so, सबको सीअर और सीरल स्टेजेस का मतलब समझ में आया बार बार बोल रही हूँ जो फर्स्ट स्पीशी होती है जो फर्स्ट स्पीशी होती है जो ज़ीरो रिक्वायरमेंट में ग्रो होती है जहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज नहीं है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए ग्रो होने के लिए जो बिना किसी रिसोर्सेज के ग्रो हो सकती है जैसे कि आर के बैक्टेरिया हमने क्लास इलेवंथ में पढ़ा था आर के बैक्टेरिया को हम एक्स्ट्रीमो बोलते हैं जो गर्म गरम उबलते हुए लावा के पास भी ग्रो सरवाइव कर सकते हैं ग्रो हो सकते हैं जो बंजर ज़मीन पर भी ग्रो हो सकते हैं फर्स्ट स्पीशी को हम बोलते हैं पाइनिर स्पीशीज़ जिसको किसी की, मतलब किसी किसी रिक्वायरमेंट मतलब रिसोर्स रिसोर्स की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं होती है, किसी की नहीं होती है, है। है है कौन भाई मैम प्लीज रिप्लाई क्या क्वेश्चन आपका भाई आप लोग से जो भी बात करने का काम है मैंने बोला ना लास्ट के पांच मिनट में करूंगी ठीक है ओके अंजलि फोकस हाँ तो पाइनी स्पीशीज पाइन स्पीशीज क्या होते हैं जो जीरो रिसोर्सिस में ग्रो होते हैं जिनको किसी भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती है जो नेचुरली खुद का ग्रोथ कर सकते हैं और उसके बाद जो आपको इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलते हैं इनको हम बोलते हैं सीयर कम्युनिटीज़ और इसके बाद जो जंगल क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी अगर एनवायरमेंटल डिस्टरबेंस हुआ तो यह क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है यूजुअली ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आगे डेवलप नहीं होता ये स्टेबल रहता है लेकिन अगर जैसे अभी अफ्रीका के जंगल में आग लग गई सॉरी ब्राज़ील के जंगल में आग लग गई थी तो तेईस से ज़्यादा प्लांट्स उधर ट्रीज़ उधर पर जल जल गए सो so, अगर ऐसा कुछ क्लाइमेटिक डैमेज हुआ तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी भी हिल सकता है अदरवाइज क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल ओके इक्विलिब्रियम स्टेज में रहता है वो देखो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है देखो आपको दो टाइप के सक्सेशन पढ़ने हैं एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन इधर देखो डायग्राम देखो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है मैंने अभी आपको क्या बोला पायनियर स्पीशीज़ के बारे में बोला क्या बोला पायनियर स्पीशीज़ के बारे में यानी कि जिनको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है तो जैसे खाली बंजर पत्थर पड़ा है इस पत्थर के ऊपर अचानक से अगर लाइकेंस ग्रो होने लगे व्हाट इज लाइकेन अलगे प्लस फंगस अलगे प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन इसको हम लाइकन बोलते हैं जो आपको पोल्यूशन इंडिकेटर्स के लिए हेल्प करता है लाइकन ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन ना हो इसीलिए इनको हम पोल्यूशन इंडिकेटर्स बोलते हैं जैसे कि माथेरान की सॉइल या माथेरान का इन्वायरमेंट ज़ीरो पोल्यूशन से माना जाता है तो वहाँ पर आपको लाइकेंस अधिकतर देखने को मिलेंगे ओके okay. तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है प्राइमरी सक्सेशन यानी कि जहाँ पर आपको प्राइम पायनियर स्पीशीज़ का ग्रोथ देखने को मिलेगा किसका ग्रोथ देखने को मिलेगा पायनियर स्पीशीज़ का यानी कि जहाँ जीरो रिसोर्सेज है ना सॉइल है ना पानी है ना हवा मतलब हवा है और लाइट है बट सारे रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर सॉइल नहीं है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है कुछ नहीं है एकदम एकदम खाली बंजर ज़मीन पड़ी है और वहाँ पे अचानक से कोई स्पीशीज़ ग्रो होना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं पा पाइनियर स्पीशीज़ एंड देन आफ्टर हंड्रेड थाउजेंड स मतलब हजारों लाखों सालों बाद आपको धीरे 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 करके उधर पर छोटे छोटे प्लांट्स फिर ग्रासेस फिर छोटे छोटे श्रब्स वगैरह देखना स्टार्ट होंगे तो ये जो पाइन स्पीशीज के बाद ये जो बीच का स्टेज आता है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज के वजह से धीरे 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 करके एग्रीगेशन होता है पॉपुलेशन बढ़ता है और उसके बाद बनता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी तो मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ इट इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आगे फर्दर ग्रोथ नहीं दिखाती है जब तक एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट रहेगा अगर एनवायरमेंट चेंज हो गया तो आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है या चेंज हो सकता है इफ़ एनवायरमेंट इज़ कॉन्स्टेंट तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कब तक स्टेबल रहती है जब तक आपका एनवायरमेंटल कंडीशन कॉन्स्टेंट रहता है सो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है ऐसे टाइप का सक्सेशन ऐसे टाइप का सक्सेशन जो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट होता है और जिसको ग्रो होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा लगते हैं तो सक्सेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स वेद नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट ये देखो इधर आपको डेफिनेशन दिया है सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे पहले से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था जैसे कि गरम गरम लावा का जहाँ पे गरम गरम वोल्कैनिक आइलैंड निकला है वहाँ पे यस एवरीबॉडी सो सक्सेशन एज अ प्रोसेस वेर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट और ऐसे सक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन के बाकी एग्जाम्पल्स कौन से हैं ये आपका वन मार्क क्वेश्चन है देखो मैं आपको इधर पे बोर्ड्स के क्वेश्चन भी बताते जा रही हूँ कि आपको एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एरियाज वेर प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स इज न्यूली कुल्ड लावा समझो अभी अभी गर्म गर्म लावा निकल के ठंडा हुआ है तो उसके ऐशेस में फिर पत्थरों के पास फिर नया नया कोई तालाब या रिजर्वयर बनाया गया है तो वहाँ पे जहाँ पे भी जहाँ भी पहले से कोई लिविंग स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करते थे अभी अभी नया नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है ऐसी जगह को हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन ओके जहाँ पे पहले से कोई बायोटिक कम्युनिटी नहीं थी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे और वहाँ पे अभी अभी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है ओके सॉइल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके वजह से जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन तो ये देखो ये डायग्राम आपके लिए एकदम परफेक्ट है पाइनर स्पीशीज जो जीरो रिसोर्सेज में ग्रो होती है जीरो मतलब वेरी मिनिमम नो रिसोर्सेज पाइनियर स्पीशीज़ किधर ग्रो होती है जहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं रहता है कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एकदम बिना किसी मोह माया के ये ऑर्गेनिजम्स इधर ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज़ और धीरे धीरे करके देखो ये जो लाइकेंस वगैरह बन रहे हैं ये पत्थर का वेदरिंग करेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है रॉक को तोड़ना और रॉक जब टूटेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगी तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से देखो धीरे धीरे करके सॉइल बनती जा रही है और जैसे 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 सॉइल हो जाएगी वैसे 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 प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे यस एवरीबडी ओके अब आता है सेकेंडरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या होता है सेकेंडरी सक्सेशन यानी कि जो प्राइमरी सक्सेशन के बाद होता है ऑब्वियसली मतलब सेकेंडरी सक्सेशन का अगर मैं आपको डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दूं तो समझो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी आया था लेकिन नेचुरल डिजास्टर के वजह से नेचुरल डिजास्टर के वजह से ये पूरा का पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गया पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी हिल गया सब कुछ यहाँ का बर्बाद हो गया सिर्फ यहाँ पे सॉइल बची है और थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स बचे हैं ठीक है तो अब वापस से जीरो से यहाँ पे कोई स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होगी तो इस जो सेकेंड टाइम जो ग्रोथ होना स्टार्ट हो रही है इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन सेकेंड टाइम यहाँ पे सेकेंड टाइम नया एन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है तो इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन देखो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था नो सॉइल नो न्यूट्रियट्स और वहां पे जब कोई चीज़ ग्रो होना स्टार्ट हुई थी तो उसको हमने क्या बोला था देखो इधर पे अरे अपना ना एक दूसरे का सर मत फोड़ो चैट बॉक्स में मेरे को बहुत दुख होता है मैं क्या करूँ क्या करूँ तुम लोग ऐसा क्यों करते हो पढ़ो ना रे मैं इधर बहुत मेहनत करके पढ़ा रही हूँ पढ़ लो रे पढ़ लो मुझे इतना दया आता है ना हमारे टाइम पे ऐसे टीचर्स नहीं थे तो इतनी मेहनत लेते थे हमारे पीछे तुम लोग आपस में भिड़े रहे हो आपस में एक काम करो एक स्पॉट डिसाइड करो इधर इधर मिल तेरे में दम है तो आ जाओ और एक दूसरे का सर फोड़ लो एक बार में ही शांति मिल जाएगी क्या चैट बॉक्स में घान कर रहे हो एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं आजकल के बच्चों में दम ही नहीं है खाली बातों से लड़ते हैं है ना इडियट्स चलो देखो इधर पे हाँ प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है जो बिना सॉइल के बिना न्यूट्रिएंट्स के ग्रो हो सकते हैं ऐसे स्पीशीज को पायनियर स्पीशीज बोलते हैं और ऐसे सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन के वजह से जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनता है अगर वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्टर्ब हो गया तो उधर पे तो सारे प्लांट्स खत्म मतलब सारी स्पीशीज खत्म लेकिन ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उधर पे जो सॉइल बनी है वो सॉइल गायब थोड़ी हो जाएगी इनविजिबल थोड़ी हो जाएगी इतना प्राइमरी सक्सेशन में जो सॉइल बना था जो प्लांट्स ग्रो हुए थे ये प्लांट्स जल गए जल के उधर ही वो न्यूट्रिएंट्स बैठ जाते हैं तो अभी आप मुझे बताओ इधर पे जीरो जीरो न्यूट्रिएंट्स थे और इधर पे टेन परसेंट न्यूट्रियट्स हैं तो किधर पे ग्रोथ जल्दी होगी ऑब्वियसली सेकेंडरी सक्सेशन में ग्रोथ सेकेंड टाइम जब होगी तब जल्दी होगी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ फर्स्ट टाइम जब आप आप साइकिल चलाते हो हो गिर जाते हो. आपको समझ में नहीं आता राइट पेडल पहले मारना है कि लेफ्ट पेडल पहले मारना है लेकिन सेकेंड टाइम जब आप साइकिल का हैंडल पकड़ोगे तो कम से कम आपको ये समझ में आएगा कि हैंडल पहले पकड़ना है बाद में पेडल के ऊपर पैर रखना है पहले पेडल के ऊपर पैर रखोगे तो गिरोगे ऑब्वियसली तो फर्स्ट टाइम कोई भी नया स्पीशीज ग्रो होने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि रिक्वायरमें रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं लेकिन सेकेंड टाइम जब आप नया सक्सेशन डेवलप करते हो तो थोड़ा बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है तो फर्स्ट टाइम में अगर हंड्रेड ईयर्स लगे थे तो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए सिर्फ एट्टी ईयर्स लगेंगे मतलब फर्स्ट टाइम के मुकाबले सेकेंड टाइम कम टाइम लगेगा समझ में आ रही है बात सबको सबके भेजे में घुसी है बात यस एवरीबडी सबको समझा यस yes. चलो तो प्राइमरी सक्सेशन एकदम जीरो से स्टार्ट होता है सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से थोड़े बहुत रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं ओके ये एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं होता है तो देखो इधर सेकेंडरी सक्सेशन में हमको सिर्फ इधर से एग्जांपल्स देखने हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन किधर होता है तो सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे पहले से नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज थे और जो डिस्ट्रॉय हो गए जैसे कि बंजर जमीन या अबैंडन फार्मलैंड जिनको हम अचानक से ठुकरा देते हैं या ज कोई जमीन अगर जल गई या उसको मतलब कट कर दिया गया या डिस्ट्रॉय कर दिया गया या बाढ़ आने की वजह से वो एकदम बंजर हो गई है तो ऐसे जगह को हम सेकेंडरी सक्सेशन वाला लैंड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ ना कुछ था अब सेकेंड टाइम उधर पे ग्रो होने वाला है इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन ओके हाँ इसके वजह से एक चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सेकेंडरी सक्सेशन होगा तो पहले जो स्पीशीज़ थे सेकेंड टाइम में भी वही स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे ऐसा हो सकता है कि सेकेंड टाइम में हमको कुछ न्यू स्पीशीज़ भी देखने को मिले और पुराने स्पीशीज़ देखने को ही ना मिले तो इट इज़ अ रिस्क फैक्टर देखो ये कुछ एकदम नया है जो इधर पे नहीं था पर इधर पे है तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का एक रिस्क होता है कि प्राइमरी सक्सेशन में जो चीज़ें थी सेकेंडरी सक्सेशन में वो देखने को मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी ऐसा जरूरी नहीं है क्लियर एवरीबडी तो सेकेंडरी सक्सेशन किसी भी स्टेज से स्टार्ट किया जाता जा सकता है ये देखो समझो अभी तो ये सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल लो कोई ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है यहाँ पे आग लग गई आग लगने की वजह से पूरा जंगल जल गया सिर्फ सॉइल बची है और न्यूट्रिएंट्स बचे हैं तो अब इधर पे जो न्यू स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होगी मतलब जो न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना स्टार्ट होंगे जरूरी नहीं है कि वो सेम स्पीशीज के हों ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे नए प्लांट्स देखने को मिलेंगे लेकिन हो सकता है कि वो अलग हों वो अलग स्पीशीज के हों कुछ अलग आपको नया देखने को मिले ऐसा हो सकता है तो दिस इज सेकेंडरी सक्सेशन समझ में आई सबको इतना बात यस yes, एवरीबडी अभी देखो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स हमको बताया गया है हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा ना दो टाइप का सक्सेशन होता है एक टेरिस्ट्रियल और एक एक्वेटिक तो टेरिस्ट्रियल सक्सेशन को बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन जब प्लांट का ग्रोथ आप लैंड पे पड़ते हो तो उसको मतलब वेरी ड्राई रीच सॉरी लैंड पे उसको बोलते हैं जेरार्क जब आप प्लांट का ग्रोथ वेरी ड्राई एरिया या लैंड पे पड़ते हो, तो हो तो उसको बोलते हैं जेरार्क सक्सेशन और जब आप प्लांट का ग्रोथ वाटर में पड़ते हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन क्या बोलते हैं उसको हम हाइड्रार्क सक्सेशन तो हाइड्रार्क सक्सेशन किधर होता है पानी में होता है हाइड्रा हाइड्रा मीन्स वाटर हाइड्रा हाइड्रामीन्स हाइड्रो हाइड्रो मींस वाटर तो हाइड्रार्क सक्सेशन हमको पानी में देखने को मिलता है जेरार्क सक्सेशन हमको बहुत ही ड्राई जैसे राजस्थान जैसे मिट्टी में हमको जो सक्सेशन देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं जेरार्क सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन का आपको बोर्ड्स में डिफरेंस बिटवीन आ सकता है तीन मार्क्स के लिए तो so, लास्ट में मैं आपको ये डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी पहले सुन लो सिर्फ दस मिनट और लगेंगे ठीक है तो जेरार्क सक्सेशन मतलब क्या होता है जो एकदम ड्राई एरिया में हो रहा है हाइड्रार्क सक्सेशन मतलब क्या होता है जो वेट एरिया में हो रहा है लेकिन याद रखो प्लांट ग्रो कहीं पे भी हो एकदम ड्राई एरिया में ग्रोथ होना स्टार्ट हो या एकदम वेट एरिया में ग्रो होना स्टार्ट हो ये एंड किधर होता है मेसिक कंडीशन में मेसिक मतलब क्या होता है मीडियम एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि ना तो एकदम ज्यादा ड्राई ना ही एकदम ज्यादा वेट अभी जैसे समझो हम जेरार्क सक्सेशन का एग्जाम्पल लेते हैं ड्राई सक्सेशन का एग्जाम्पल लेते हैं समझो ऐसे बेयर रॉक है और इस बेयर रॉक में लाइक ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है अब ये लाइकंस क्या करते हैं ये क्रस्टोस शुगर रिलीज करते हैं ये क्रस्टो शुगर के अंदर एक ऐसा एसिड होता है जो रॉक को डिजोल्व कर देता है और रॉक को कन्वर्ट कर देता है सॉइल में तो देखो धीरे धीरे करके सॉइल फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है और जैसे जैसे सॉइल फॉर्म होना स्टार्ट हो रही है वैसे वैसे आपको वहां पे प्लांट्स और लाइकेंस और हर्ब्स ग्रासेस श्रब्स ऐसे देखने को मिलेंगे सो दिस इज पाइनर स्टेज फिर आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलेंगे सीरियल स्टेजेस ऐसे याद करो इंटरमीडिएट स्टेज मतलब सीरियल स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज मतलब सीरियल स्टेज और सीरियल स्टेजेस फर्दर डेवलप करके क्या बनाएंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनाएंगे सो so, शुरुआत कैसे होती है बंजर जमीन पे लाइकेंस की ग्रोथ से शुरुआत होती है ये बहुत बार पूछा जाता है कि जरार्क सक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है सो so, जरार्क सक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है जब भी किसी भी ओपन एरिया में बैर यानी कि ओपन एरिया में कोई नई स्पीशीज़ घुसती है या नई स्पीशीज़ की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीशीज़ पायनियर स्पीशीज़ की इधर ग्रो होना स्टार्ट होती है पत्थरों के ऊपर जहाँ पे लाइकेंस में से क्रस्टोस शुगर निकलता है जो जिससे एसिड निकलती है जो हमारे पत्थरों को डिजोल्व करके उसमें से वेदरिंग ऑफ रॉक करके सॉइल प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर उसके वजह से आपको नए नए ब्रायोफाइट्स पेफ द वे यानी रास्ता बनाना मेक द वे तो इसी सॉइल में फिर आपको ब्रायोफाइट्स मॉसेस ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीरियल स्टेजेस दिखाएंगे और सीरल स्टेज के बाद फाइनली आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलेगी मैं बार बार बोल रही हूँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी जब तब तक स्टेबल रहती है जब तक आपका एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट है अगर आपका एनवायरमेंट बदला तो आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बदल जाएगा ये था आपका जेरार्क सक्सेशन कौन सा सक्सेशन था यह जेरार्क सक्सेशन ये भी किधर एंड हुआ ये भी मैसिक कंडीशन में एंड हुआ मतलब यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वाटर लैंड में प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर इस, इसको हम क्या बोलते हैं ग्राउंड वाटर देखो इनिशियली यहाँ पर पानी नहीं था ये टोटली totally लैंड के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट हो रहा था लेकिन ये किधर ख़त्म होता है मैसिक कंडीशन में खत्म होता है जहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर स्टोर रहता है अब आता है हाइड्रार्क सक्सेशन कौन सा सक्सेशन आता है हाइड्रार्क सक्सेशन यस तो हाइड्रार्क सक्सेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा हाइड्रार्क यानी कि वाटर प्राइमरी सक्सेशन अपने हैबिटेट में कैसे होता है आपको यहाँ के एग्जाम्पल्स 100% पूछे जाएंगे एग्जाम में 100% एक तो पहला क्वेश्चन आता है कि हाइड्रार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है हाइड्रार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है फर्स्ट स्टेज है फाइटोप्लांकटन जेरार्क सक्सेशन का फर्स्ट स्टेज कौन सा है फर्स्ट स्टेज कौन सा है फाइटोप्लाटन फाइटोप्लाइंटन आर इनविजिबल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में बिना रिसोर्सेस के ग्रो होना स्टार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज इनको हम क्या बोलते हैं ये है हमारे पायनियर स्पीशीज फिर धीरे 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 करके जैसे जैसे टाइम जाएगा जैसे जैसे पानी के अंदर इनका रिसोर्सेज और लाइट और ये बाकी का रिसोर्सेज अवेलेबल होना स्टार्ट होगा तो हमको छोटे छोटे सबमर्स्ड प्लांट्स देखने को मिलेंगे रूटेड सबमर्स्ड प्लांट्स तो रूटेड सबमर्स्ड प्लांट्स का एग्जाम्पल आता है हाइड्रीला हर एक का एग्जाम्पल लिख के लो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये एग्जाम्पल्स सी में कंपल्सरी आते हैं कंपल्सरी आते हैं ओके तो रूटेड सबमर्स प्लांट्स कौन से हैं हाइड्रिला फिर उसके बाद आता है रूटेड फ्लोटिंग एनजीओ फ्लोटिंग यानी जो पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगे जैसे सबमर्ड फ्री फ्लोटिंग जैसे लोटस ओके okay, ये एग्जांपल तो लास्ट ईयर के सी में भी आया था देन फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो बिल्कुल भी रूटेड नहीं होते देखो इनमें आपको रूट्स देखने को मिल रही है लेकिन यहाँ पे आपको आगे जाके आपको फ्री फ्लोटिंग में अच्छा सॉरी दिस इज सबमर्ड प्लांट स्टेज रूटेड सबमर्ड प्लांट स्टेज और ये आपके फ्री फ्लोटिंग स्टेज है यानी कि लीफ वाला स्टेज तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आपका मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेज है हाँ बीच में और एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है रूटेड फ्लोटिंग एनजीओ स्पर्म्स तो ये जो बीच वाला स्टेज है यही आपका लोटस वाला स्टेज है और ये जो नीचे वाला स्टेज है ये आपका फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स वाला स्टेज है मतलब इधर पे ही आपका थर्ड और फोर्थ दोनों एग्जाम्पल आ जाता है ये थर्ड और ये पिस्टिया ये फोर्थ ऐसे दोनों एग्जाम्पल्स एक ही एन्वायरमेंट में आ जाते हैं ओके फिर उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा आता है रीड स्वाम्प स्टेज तो रीड स्वाम्प स्टेज में हमको क्या देखने को मिलते हैं पूरा पानी में पानी कम है और प्लांट ज्यादा हो गए हैं तो इसका एग्जांपल आएगा टाइफा टाइफा स्पीशीज के प्लांट्स हमको यहाँ देखने मिलते हैं फिर मार्श मीडो स्टेज यानी दलदली इलाका जहां पे पानी बहुत ही ज्यादा कम है और एकदम झाड़ी झाड़ ग्रो हो गए तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे साइप्रस स्पीशीज फिर उसके बाद आता है स्क्रब जहाँ पे अब पानी तो बिल्कुल ना के बराबर बचा हुआ है एलनस जैसे प्लांट्स हमको देखने को मिलेंगे और फाइनली हमारा आ जाता है फॉरेस्ट जैसे कि क्वेरकस तो यहाँ पे तो आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं और ये भी किधर आके खत्म हुआ मेसिक कंडीशन में मतलब इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी पानी से शुरुआत हुई थी लेकिन अब पानी एकदम कम है और अब लैंड है तो जैसे यहाँ पे हमको मैसिक uh, कंडीशन देखने को मिल रहा है वैसे यहाँ पे हमको मेसिक कंडीशन देखने मिलता है तो so, मेसिक मतलब क्या होता है बहुत ज्यादा पानी भी नहीं बहुत ज्यादा लैंड भी नहीं यस yes, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं कौन सी भाषा में बोलू इधर लिखवा लू एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं यस एवरीबडी ओके आगे देखो सेकेंडरी सक्सेशन में अब वापिस से वही चीज बताई गई है कि सेकेंडरी सक्सेशन कैसे स्टार्ट होता है अगर आपके प, आपके पास पहले ऐसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी फिर वहाँ पे आग लग गई आग लगने की वजह से पूरा फॉरेस्ट बर्बाद हो गया लेकिन वहाँ की सॉइल और न्यूट्रिएंट्स बची हुई है तो उसी सॉइल और न्यूट्रिएंट्स में नया स्पीशीज ग्रो होना स्टार्ट होगा लेकिन प्राइमरी सक्सेशन के लिए प्राइमरी सक्सेशन के लिए अगर थाउजेंड ईयर्स लगे थे तो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा हो सकता है फाइव हंड्रेड ईयर्स या हंड्रेड ईयर्स में भी सेकेंडरी सक्सेशन हो जाए क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे ना एकदम जीरो रिसोर्सेज अवेलेबल थे बट सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो ये देखो आपके बोर्ड्स में ये थ्री मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर में से सिर्फ आपको यही पूछें डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन तो सब लोग ये distinguish between का ले ले लो या ले लो या लिख के के फटाफट से से में 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 जैसे भी आपको वीडियो को स्टार्टिंग से देखो बेटा। मैंने इसी बारे में बताया है। डिलीटेड सिलेबस नहीं आएगा सिर्फ नॉन पार्ट ही पढ़ना है ठीक है देखो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है ये कहां पे हमको देखने को मिलता है जहां पे जमीन एकदम खाली हो जहा पे पहले से कोई ऑर्गेनिज्म ना करता हो सेकेंडरी सक्सेशन किधर देखने को मिलता है जो जमीन अभी अभी खराब हुई है मतलब जो रिसेंटली डिप्राइव हुई है जो रिसेंटली डिस्ट्रॉय हुई है वहां पे आपको सेकेंडरी सक्सेशन देखने को मिलता है प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है ऑलमोस्ट थाउजेंड ई ईयर्स लगते हैं प्राइमरी सक्सेशन देखने के लिए और सेकेंडरी सक्सेशन काफ़ी ज़्यादा फास्टर है पचास से दो सौ साल में ये कंप्लीट हो जाता है मतलब आधे के आधे का आधा टाइम सेकेंडरी सक्सेशन के लिए यस टॉयल इज एबसेंट

द एन्वायरमेंटल कंडीशन आर अनसूटेबल देखो प्राइमरी सक्सेशन में कुछ भी अपने सपोर्ट में नहीं है पूरा कंडीशन अनसूटेबल होता है सेकेंडरी सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल एन्वायरमेंट्स होते हैं येस एवरीबडी ओके चलो अभी मैं आपसे कुछ एम सी क्यू ले लेती हूँ उसके पहले आपकी कुछ क्वेरीज सॉल्व कर देती हूँ ओके okay. मैम हमारी प्रिलियम्स में से नहीं पूछा गया इसका बेटेस्ट तो तीन मार्क्स है बेटा वो आपके कॉलेज वालों का डिसीजन है रितिका लेकिन बोर्ड्स में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा हो सकता है कि आया होगा क्वेश्चन लेकिन ऑप्शन में होगा इसीलिए आपने अटैम नहीं किया होगा ऐसा हो सकता है थ्योरी कैसे रिवीजन करना है वन शॉर्ट वीडियोस देख के टेक्स्ट बुक रीडिंग करना पड़ेगा या आपने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए होंगे विजय लक्ष्मी काले तो आपको वो हैंड रिटन नोट्स की मदद से रिवीजन करना है अभी नीट एप्लीकेशन नहीं निकला है एम वाई के मेशराम और किसी का कुछ क्वेश्चन है सीटी में नॉन डिलीटेड पोर्शन आएगा डिलीटेड पार्ट में से कुछ नहीं आएगा बोर्ड्स में डिलीटेड पार्ट से कुछ नहीं आएगा चलो सबने ये डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख लिया यस yes, एवरीबडी आगे बढ़े चलो चैप्टर खत्म कौन है ये प्रशस्ति शेट्टी प्रशस्ति शेट्टी बेटा अगर आपने बायो में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप वन शॉट वीडियोस देखो वन शॉट वीडियोस देखने के बाद भी कभी कभी अपने को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट रह जाता है तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का डिटेल वीडियो देखो और फिर चैप्टर रीड करो देट्स सेट और अगर चैप्टर रीड करने का भी टाइम नहीं है तो वन शॉट देखो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन पढ़ो लास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो बस आपको आराम से चालीस पचास मार्क्स आ जाएंगे नीट में डिलेटेड आता है मिस्टर खान स्टूडियो नीट में एनसीआरटी सिलेबस आता है सीई टी का डेट नहीं आया हैस लेसन खत्म सीरल स्टेज मतलब इंटरमीडिएट स्टेज एक्सरसाइज में से डिलेटेड क्या है मैम मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है प्रांजल डिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज आप सर्च करो आपको मिलेगा ज्ञान लैब नाम आगे डाल देना बेटा पूरा चैप्टर का ये समरी है सब पॉइंट्स में से ये समरी है प्राइमरी हमने इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा ये उसका समरी है देख लो कौन है मोहित ये मोहित देसाई ये चैप्टर का समरी है रुचिता पोदार यस बेटा हमारा एन, नीट का चैनल है ज्ञान लैब एनसीआरटी तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो हर्ष थैंक यू टेलीग्राम की लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप प्ले स्टोर पर जाके टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो और फिर ज्ञान लैब सर्च करो टेन पॉइंट नाइन के मेंबर्स का ग्रुप आपको ज्वाइन करना है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं चलो अभी सीई का डेट्स नहीं आया है यस yes दिया बहुत दिन के बाद चैट ले रही हूं मैं सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन किए तो चलेगा लेकिन आउट ऑफ मार्क्स नहीं आएंगे उससे पास हो जाओगे थैंक यू शिवन्या एक्सरसाइज से पचास मार्क्स के क्वेश्चन फिफ्टी से फिफ्टी फाइव मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और टेक्स्ट बुक के बीच में से पंद्रह से बीस मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये सब मैं अपने डेली टेक्स्ट बुक डेली वीडियो में बताती हूँ ठीक है थैंक यू नानेश। ठीक है चलो अभी एम सी उसके आंसर करो हर्षल पाटिल करेंगे करेंगे पहले आप चैप्टर्स तो पूरा रिवाइज कर लो चलो चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो यस एवरीबडी फालतू को अपन वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे फटाक से चैप्टर का आंसर दो यस yes, गायत्री काले टेलीग्राम चैनल पे नोट्स का लिंक पिन किया हुआ है ड्राइव पे पीडीएफ हसन मकंदकर बेटा मैं वही बोल रही हूँ एक्सरसाइज से आप पास हो सकते हो विजय लक्ष्मी करना चाहिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व थैंक यू रोहन ओके सो करेक्ट आंसर क्या है वेरी गुड वेरी गुड एवरीबडी द करेक्ट आंसर इज बी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा वेरी गुड वेरी गुड एवरीबडी एक्सीलेंट 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 नेक्स्ट नेक्स्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज मिनिमम बाय सेम सेम क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के पूछा है सेम क्वेश्चन ओके क्या आएगा इसका आंसर यस yes, एवरीबडी इसका आंसर क्या आएगा वेरी गुड आतिफ वेरी गुड सबसे कम रिसोर्सेस किसको चाहिए पाइनर स्पीशीज को वेरी गुड ए इज द राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइमरी सक्सेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज ऑन अ डैश चलो चलो बताओ प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है साक्षी मुले येस बेटा डिलीटेड दि, सिलेबस नहीं पढ़ना है ओनली नॉन डिलीटेड सिलेबस पढ़ना है फॉर सीई टी ऑल्सो येस प्राइमरी सक्सेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी किधर हो रहा है प्राइमरी सक्सेशन किधर देखने को मिलता है uh, uh, किसी क्रॉप फील्ड में देखने को मिलता है या कहीं जंगल में आग लग गई उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन होता है या फ्रेश पॉन्ड फिल्ड विथ वाटर आफ्टर अ ड्राई फेज मतलब यहाँ पे पहले पॉन्ड था उधर देखने को मिलेगा या न्यू एरिया में देखने को मिलेगा जहाँ पे पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे तो प्राइमरी सक्सेशन किधर देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड वेरी गुड ईश्वरी महेंद्र वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन प्लांट ऑफ फ्लोटेड लिविंग स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज बताओ कौन सा आएगा फ्लोटेड आ फ्लोटेड लीव स्टेज फ्लोटिंग लीव स्टेज कौन सा आएगा यस yes, एक पिस्टिया का एग्जाम्पल हमने देखा था और एक लोटस का एग्जाम्पल सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या आएगा लोटस पानी के ऊपर फ्लोट करता है ना सो लोटस इज द राइट आंसर फॉरेस्ट एरिया आफ्टर डिफॉरेस्टेशन ऐसा जो किसी नए मतलब किसी ऐसे एरिया में स्टार्ट होता है जहां पे पहले कोई फॉरेस्ट था ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं यस सेकेंडरी सक्सेशन क्या बोलते हैं ऐसे सक्सेशन को हम सेकेंडरी सक्सेशन चलो फाइनली चैप्टर खत्म नीट के अपडेट्स के लिए आप हमारा ज्ञान लैब एनसीईआरटी वाला चैनल फॉलो कर सकते हो और नोट्स के लिए टारगेट नोट्स के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान लैब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हमने एक व्लॉगिंग चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है लाइफ बफरिंग जिसमें हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी वीडियोज डालेंगे ओके okay? तो आई होप आपको ये सेशन अटेंड करके अच्छा लगा जल्दी खत्म कर दिया है सो so, चलो फटाफट से टाइम मत वेस्ट करो कोई भी अभी सोएगा नहीं फटाफट से इस चैप्टर को पढ़ के ख़त्म कर डालो रीड करो डिस्टिंग्विश बिटवीन लिख के ले लो टेक्स्ट बुक में एग्जाम के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन भी लर्न करके अगर गए तो उसको शॉर्ट पॉइंट्स में बना के लिख सकते हो दो मार्क्स के लिए अगर आंसर आया तो ठीक है चलो अभी कल आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा सुबह एट ए एम शार्प और नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल सैटरडे को तो so, प्लीज़ वो चैप्टर रीड कर लेना रिप्रोडक्शन इन एनिमल बहुत बड़ा चैप्टर है उसको मैं शॉर्ट में खत्म करने वाली हूँ सो प्लीज वो चैप्टर पहले से पढ़ के आना चलो बाय बाय बायरीबडी टेक केयर ऑल द बेस्ट बाय हैव अ गुड डे आज आपको आपका लास्ट टारगेट वीडियो मिल जाएगा हाँ चलो बाय बाय